वेलकम स्टूडेंट्स इन सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर। इन डिजिटल लेक्चर चैप्टर फर्स्ट द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया वी विल कंटिन्यू पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। किस प्रकार मुगल पावर का डिक्लिनेशन होता है, खत्म होता है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, और ब्रिटिश पावर का कंसोलिडेशन होता है यानी कि मजबूत होता है ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश साम्राज्य, तो इसके बारे में देखते हैं। द मुगल एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526। जो मुगल साम्राज्य जो था वो बाबर ने 1526 में इस्टेब्लिश करा था। इट गेंड स्टेबिलिटी अर्न फ्रेम एंड बिकेम पावरफुल बाय द एफर्ट्स ऑफ अकबर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब। ये जो मुगल साम्राज्य था ये अकबर के एफर्ट्स के द्वारा बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य में एक तरीके से खत्म होते गए इसके स्टेट्स, और ये एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होने लग गया था। द सक्सेसर्स वर एट वॉच टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ द मुगल एम्पायर। द क्लेमेंट्स ऑफ थ्रोन टुक हेल्प फ्रॉम चीफेंट्स ऑफ द एम्पायर। कंसिक्वेंटली मुगल एम्परर्स हैड टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ द चीफेंट्स एंड एमायर्स। द लेटर मुगल्स एम्परर्स वर सिंपली पुपिट रूलर्स इन देयर हैंड्स, दे कुड नॉट चेक द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। उसके बाद जो इसके सक्सेसर्स जो थे इस मुगल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि उनका साम्राज्य किस प्रकार नष्ट किया जा रहा है, खत्म हो रहा है। वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह रह गए थे जो कि ब्रिटिश के कहने पर चल रहे थे। ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेस ऑफ द मुगल एम्पायर सेवरल स्टेट्स लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, द रीजन फ्रॉम द पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय द मराठास, मैसूर एंड कर्नाटका बिकेम फुली इंडिपेंडेंट। ये स्टेट्स इंडिपेंड हो जाते हैं। दिस स्टेट्स ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर्स। और ये जो स्टेट्स हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मुगल साम्राज्य के खत्म होने के लिए। और अटैक्स फ्रॉम द रूलर्स लाइक नादिर शाह ऑफ ईरान एंड अफगान रूलर्स अहमद शाह अब्दाली साउंडेड द डेथ नेल फॉर द मुगल एम्पायर। द ब्रिटिश टू फुल एडवांटेज ऑफ दिस पोलिटिकल चाओस एंड क्रिसिस। यहाँ पे ब्रिटिश को एक मौका मिलता है इस गड़बड़ और इस संकट की घड़ी में, मुगल साम्राज्य जब खत्म होता है तो उनको एक एडवांटेज दिखता है, एक प्रॉफिट दिखता है, और वो अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट करने में, स्थापित करने में एक अवसर खोजकर लाभ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया एंड बिजनेस रिवलरी। नेक्स्ट टॉपिक है द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर अ 15-year चार्टर इश्यूड बाई क्वीन इलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन ऑन 31st December 1600 फॉर ट्रेड विद इंडिया एंड द ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के 15 साल के पश्चात, 15 years के पश्चात वो एक चार्टर इशू करते हैं जिसके अंतर्गत वो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। द चार्टर आल्सो इम्प्रूव द कंपनी टू वेज वार, साइन पैक्ट, इंपैक्ट लॉस एंड पुनिश थोस हु अटैक द एम्प्लॉयज मोनोपोली। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंड बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट फॉर द जॉइंट ट्रेड। द प्राइम एम ऑफ दिस कंपनी वॉज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक और क्रूक वॉज राइट, इवन लूट एंड वार वर कंसिडर्ड राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल द एंड ऑफ बिजनेस। द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट एंड ट्रेड फील्ड देयर कॉफर्स बियॉन्ड कैपेसिटी। द कंपनी ऑल्सो हैड पोलिटिकल एम्बिशंस अलॉन्ग विद कंसोलिडेटिंग इट्स होल्ड ओवर ट्रेड। द ब्रिटिश हैड एनालाइज्ड द पोलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया, दे थॉट दैट एक्वायरिंग पोलिटिकल पावर वुड बी प्रॉफिटेबल टू देयर ट्रेड एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क टू अचीव दिस गोल्स। इसमें होता है कि यहाँ की जो ब्रिटिश कंपनी थी, इस ब्रिटिश कंपनी का सिर्फ एक ही एम था कि मोर एंड मोर प्रॉफिट। उसका नीति नियम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि उनको जहाँ प्रॉफिट दिखता था वहाँ वो लूटने में भी पीछे नहीं हटते थे, लूटने में भी वो सही समझते थे, और जो उनकी मोनोपोली थी, जो उनका रूल्स रेगुलेशन थे, उनको जो इंडियन रूलर्स वगैरह जो उनको फॉलो नहीं करता था उनको वो बाय फोर्स के थ्रू अटैक करके वो उसको एक्वायर करते थे, अचीव करते थे। अर्लियर एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी वर करप्ट एंड ग्रीडी, दे एक्सेप्टेड
ब्राइट देयर इंटेंशंस वाज टू अर्न एज मच एज पॉसिबल. इसके जो एम्प्लॉय थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो करप्ट थे, ग्रीडी थे. उनका मकसद सिर्फ अधिक और अधिक पैसा कमाना था. नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया. किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार होता है ये हम इस टॉपिक में देखते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया बट फेल टू एस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर और कॉलोनी इन इंडिया. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहती है, लेकिन वो अपने बिजनेस सेंटर्स और कॉलोनी जो है वो सेंटर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं. वो ट्रेडिंग व्यापार तो कर लेते हैं लेकिन वो ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं. जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू द कंपनी टू ओपन बिजनेस सेंटर एट सूरत इन 1613. लेकिन 1613 में जहांगीर के द्वारा उनको परमिशन मिल जाती है बिजनेस सेंटर सूरत में ओपन करने की. सर थॉमस रॉय वाज सेंट अस एनवॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट टू इंडिया टू मीट मुगल एम्परर फॉर ट्रेडिंग पर्पस. और सर थॉमस रॉय जो हैं वो एक दूत को एनवॉय मीन्स दूत को भेजते हैं भारत में, जिनका नाम है किंग जेम्स फर्स्ट, जो मुगल शासक से मिलते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर के लिए प्रस्ताव रखते हैं. सर थॉमस रॉय स्पेंड हिज टाइम टू इन मुगल कोर्ट बिटवीन 1615 टू 1619. ब्रिटेन के सर थॉमस रॉय जो थे वो यहाँ पे समय व्यतीत करते हैं 1615 टू 1619 के बीच में मुगल कोर्ट में. He got approval from Jahangir to establish business center in different parts of the Mughal Empire. और वो जहांगीर के द्वारा परमिशन लेते हैं, स्वीकृति लेते हैं कि वो यहाँ पर बिजनेस सेंटर इस्टेब्लिश करें जो पहले सिर्फ सूरत में था, अब वो इस मुगल साम्राज्य के डिफरेंट पार्ट्स में भी इस्टेब्लिश करना चाहते थे. तो इसके लिए उन्होंने अप्रूवल लिया जहांगीर से. एंड सुन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इट्स बिजनेस सेंटर एट सूरत, आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रांच. इन्होंने आगरा, अहमदाबाद और ब्रांच में भी अपना बिजनेस सेंटर ओपन कर दिया था. व्हेन एम्परर चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड वाज मैरिड टू प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पुर्तगाल इन 1668 द ब्रिटिश गॉट मुंबई, बॉम्बे इन डावरी. मुंबई केम अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर जस्ट £10 एनुअल रेंट. मुंबई वाज मेड हेड क्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कोस्टल बिजनेस सेंटर इन 1687 इन प्लेस ऑफ सूरत. यहाँ फिर होता यह कि जो इंग्लैंड के जो प्रिंसेस थे कैथरीन, उनका पुर्तगाल की ब्रिटिश के जो इंग्लैंड के जो राजकुमार है चार्ल्स सेकेंड, उनका जो विवाह है वो होता है पुर्तगाल की राजकुमारी प्रिंसेस कैथरीन इन 1668, जिसमें उनको दहेज के रूप में मुंबई मिलता है. और ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई में अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने में, यानी कि वो हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश कर देते हैं. ऑन द ईस्टर्न कोस्टल एरिया आल्सो द कंपनी इस्टेब्लिश बिजनेस सेंटर्स एट मच्छीपट्टनम, मद्रास, चेन्नई, बंगाल, हरियापुर, बालासुर, हुगली, पटना एंड कसिम बाजार. द कंपनी मेड डिजायर्ड बेनिफिट्स इन ट्रेडिंग इन द एरियाज लाइंग बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया. कंपनी का जो डिजायर था, इनका जो सपना था, वो बेनिफिट्स लेना था ट्रेडिंग में. और एरिया जो था इनका ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के बीच में इनको व्यापार करना था. द कंपनीज बिल्ट फोर्ट्स इन मुंबई एंड कलकत्ता एंड मेड एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देयर. इन्होंने मुंबई और कलकत्ता में फोर्ट्स बनवाए थे और पर्याप्त अरेंजमेंट किए थे सिक्योरिटी के. इन 1717 द ईस्ट इंडिया एक्वायर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज फ्रॉम मुगल एम्परर फरुखसियार, जॉन सेरमोन एंड विलियम हैमिल्टन पेड अ कोर्टेसी विजिट टू द एम्परर. द एम्परर वाज सीरियसली इल. द एम्परर गॉट क्यूर्ड आफ्टर फॉलोइंग टू द एडवाइस ऑफ विलियम हैमिल्टन. एंड एलिटेड एम्परर इश्यूड 3 decreases providing a lot of facilities of the to the company. The company earned the rights to trade in Bengal without paying taxes on an annual payment of ₹3,000. The company was permitted to hire areas near Calcutta. The company's dues were waived off in the Hyderabad provenance. The coins minted by the company in Mumbai were in circulation in the entire Mughal Empire. Thus the company business and सुप्रीमेसी इंक्रीज्ड बाय लैम्प्स ऑफ एंड बॉन्ड्स इन इंडिया. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में भी अपना ट्रेडिंग सेंटर
करने के लिए अवसर मिल जाता है और ये वहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं और इस प्रकार उनको वहाँ के ट्रेडिंग सेंटर्स बढ़ाने के पश्चात उनको कलकत्ता में भी वो अपना व्यापार बढ़ाते हैं। द कॉइन्स मेंटेड बाय द कंपनी इन मुंबई वर इन सर्कुलेशन इन द इंटायर मुगल एम्पायर। जो कंपनी के जो कॉइन्स जो थे जो मुंबई में बनते थे वो पूरा सर्कुलेट हो जाते हैं पूरे मुगल एम्पायर में। दस द कंपनी बिजनेस एंड सुप्रीमेसी इंक्रीज्ड बाय लैम्प्स एंड बाउंडेड इन इंडिया। इस तरीके से कंपनी का जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया में पकड़ बना लेता है और ऑल इंडिया में बिजनेस ये ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगती है। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी एंड कैनेटिक वार्स हमको इसमें पढ़ना है। एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग रिवलरी सून टर्न्ड इनटू वार। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी किस तरह कैसे संधि से एक वार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज एंड पावर्स ऑफ बोथ बिफोर स्टडिंग द वार्स दैट इंश्योर्ड बिटवीन द टू। इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल था, किसकी क्या शक्तियाँ थी। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी से मतलब है कि एंग्लो मीन्स इंग्लिश की बात हो रही है, फ्रेंच मीन्स फ्रांस की कंपनी जो आई थी उसकी बात हो रही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर द फ्रेंच कंपनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। जो सबसे मेन डिफरेंस जो ये था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि फ्रेंच कंपनी जो थी वो अंडर कंट्रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, फिर फ्रेंच गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्री टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स पावर एंड बिजनेस वेयर एज द फ्रेंच कंपनी हैड टू सीक परमिशन फॉर ऑल मैटर्स फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फ्री थी किसी भी डिसीजन को लेने में रिगार्डिंग पावर एंड बिजनेस पावर रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड उनको डिसीजन जो भी लेना रहते थे वो फ्री रहती थी क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच कंपनी को परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ब्रिटिश कंपनी वर्कड हार्ड विद डिवोशन बट दिस वॉज नॉट द केस विद द फ्रेंच कंपनी। इसके जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज जो थे ब्रिटिश कंपनी के वो वर्क हार्ड करते थे और एक निष्ठा के साथ काम करते थे, जबकि फ्रेंच कंपनी के साथ ऐसा नहीं था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंट्स ओवर द एरिया वॉज ऑल्सो वाइड। फ्रेंच कंपनी हैड ओनली इन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इन पॉडिचेरी वेयर एज द ब्रिटिश कंपनी हैड सेवरल इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। जो ट्रेडिंग सेंटर्स की जहाँ बात होती है तो वहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे कंपेयर टू फ्रेंच कंपनी। अंडर दिस कंडीशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनी वर बिजी इन एक्सपेंडिंग बोथ देयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रेड। इस तरीके से दोनों जो कंपनी थी वो अपने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए प्रयासरत थी, प्रभाव डाल रहे थे। बहुत मेनली कंसनट्रेटेड ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। दोनों का कंसनट्रेशन जो था, दोनों का मेन कंसनट्रेशन तो जो था वो वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया की ओर था। बोथ हैड सिमिलर एंड्स एंड कंसिक्वेंटली देयर रिवलरी फाइनली एंडेड इन वार। इस प्रकार दोनों की प्रभावशीलता खत्म होती है और दोनों की संधि खत्म होकर एक वार के रूप में परिवर्तित हो जाती है और फाइनली उनकी वार होता है जिनका हम कार्नेटिक वार के रूप में जानते हैं। द कार्नेटिक वार एंड देयर रिजल्ट्स, यहाँ भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कार्नेटिक वार्स क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या परिणाम इसका मिलता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वर मेकिंग एफर्ट्स टू गेन बेनिफिट्स एंड एक्सपांड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी का मेन मकसद ये रहता है कि वो अपना एफर्ट लगाकर यहाँ की पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करें, अपने हाथों में लें। बोथ ट्राइड टू सरपास ईच अदर बाय परचेसिंग इंडियन गुड्स एट लोवेस्ट प्राइस। दोनों कोशिश करने लग गए कि इंडियन गुड्स जो थे यहाँ की भारतीय वस्तुओं को कम रुपीज में वो खरीदें। बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट्स, दोनों का कंट्रोल था मार्केट के ऊपर। एंड टू गेन मोर फैसिलिटीज एंड मोर मार्केट्स देयर बिगेंस टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। वो एक तरीके से लालच, दोनों कंपनीज एक तरीके से प्रलोभन देने लग गई यहाँ के स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को, कि वो आए और मार्केट के लिए मार्केट करने दें उनको। बहुत ड्रीम्ड ऑफ होल्डिंग पॉलिटिकल पावर्स इन देयर हैंड्स फॉर कंट्रोल ओवर मार्केट्स। अब उनको मार्केट्स को होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर की रिक्वायर्ड थी, जो दोनों का ड्रीम था, दोनों का सपना था कि कैसे भी करके पॉलिटिकल पावर को हम हाथों में ले लें ताकि अपना मार्केट अच्छे से चल सके। द हेड क्वार्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी वाज इन द
हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन पॉन्डिचेरी ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट वाइल द ब्रिटिश कंपनी मेन सेंटर वाज फॉर सेंट गॉर्की मद्रास विच वाज नॉट वेरी फार फ्रॉम पॉन्डिचेरी। दोनों का जो क्वार्टर था हेडक्वार्टर था दोनों ही पास पास ही था। बोथ कंपनीज वर एम्बिशंस एंड कॉन्स्टेंट स्क्रिमिशेस टुक प्लेस टू थ्रो ईच अदर आउट ऑफ इंडिया। थ्री वार्स नोन एज कैनेटिक वार्स इन इंडियन हिस्ट्री वर फॉट बिटवीन द टू कंपनीज। अब दोनों कंपनीज का एम्बिशंस दोनों का मकसद यही था कि एक कंपनी उनकी जो विरोधी कंपनी थी वो बाहर चली जाए इंडिया से ताकि वो आसानी से आके ट्रेडिंग कर सकें, और इसी के कारण उनका बीच में विरोध होता है, लड़ाई होती है, और जिनको हम कैनेटिक वार के रूप में जानते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में तीन वार होते हैं जिनको हम कैनेटिक वार्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कैनेटिक वार्स होता है इन 1746 टू 1748। कैनेटिक वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। कैनेटिक जो था वो मुगल एम्पायर के अंडर में था। हेड बिकम इंडिपेंडेंट जो कि इंडिपेंडेंट हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। अर्कॉट सिचुएटेड बिटवीन द चेन्नई एंड पांडिचेरी। अर्कॉट जो था वो चेन्नई और पांडिचेरी के बीच में था। वाज द कैपिटल टाउन ऑफ कैनेटिक जो कि कैपिटल टाउन था कैनेटिक का। फ्रेंच एंड इंग्लिश वॉर ऑन अपोजिट साइड इन द 1744 वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। ये जो थे फ्रेंच और इंग्लिश ये अपोजिट साइड में थे इन 1744 में। द वार हैड टेलिंग इफेक्ट ऑन इंडिया टू। ये जो वार हो रहा था ये इंडिया पे भी इफेक्ट डाल रहा था। एनिमोस्टी बिगेन टू राइज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज इन इंडिया। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स लियार्ड नवाब अग्रुद्दीन ऑफ कनेटिक इन हिज फेवर। द फ्रेंच फोर्सेस टू कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास। जो फ्रेंच फोर्स जो थी वो ब्रिटिश के मद्रास में जो फोर्ट था ब्रिटिश कंपनी का उसके ऊपर कंट्रोल करने लग गए थे। वेन द नवाब ऑफ कनेटिक डिमांड्स द मद्रास फोर्ट डुप्लेक्स रिफ्यूज टू हैंड इट ओवर द नवाब। जब नवाब ऑफ कनेटिक डिमांड्स उन्होंने डिमांड की कनेटिक के नवाब ने तो मद्रास फोर्ट की तो डुप्लेक्स रिफ्यूज टू हैंड इट ओवर टू नवाब ये उन्होंने दिया। दिस लेट बोथ साइडेड टू वार्स अहेड। कनेटिक नवाब वाज डिफीटेड इन 1748। पीस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन यूरोप। कंसिक्वेंटली पीस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन टू कंपनीज इन इंडिया। 1748 में जब यूरोप में शांति स्थापित होती है तो भारत में भी इसी प्रकार दोनों कंपनीज के बीच में शांति स्थापित हो जाती है, झगड़ा समाप्त हो जाता है। तब मद्रास फोर्ट वाज हैंडेड ओवर द इंग्लिश कंपनी और मद्रास का जो फोर्ट है वो इंग्लिश कंपनी के हाथों में रहता है। ऑल्दो पीस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन द टू दोनों ही कंपनियों के बीच में शांति स्थापित होती है। द वार गेव बर्थ टू न्यू थिंग्स विद द डिफीट ऑफ कैनेटिक नवाब। सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वार वाज एस्टेब्लिश्ड। द यूरोपियन कंपनी केम टू नो दैट विद द फर्दर इंक्रीजेज इन द इंटरनल इन्फ्लुएंसेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी टू कुड बी एस्टेब्लिश्ड फर्दर। दिस वार ऑल्सो शेप्ड म्यूचुअल रिवेलरीज इन इल विल बिटवीन कंपनीज। दोनों ही कंपनीज का मकसद ये था कि वो सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करें इंडियन स्टेट्स के ऊपर, इस वजह से इनका फर्स्ट वार हुआ था। द सेकेंड कर्नाटिक वार्स सेकेंड कर्नाटिक वार इन बिटवीन 1748 टू 1754 सेकेंड कर्नाटिक वार होता है। इसमें क्या होता है देखिए, अ बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वाज फॉट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटिक। फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर्ड मुजाफिर जंग एज द रूलर ऑफ हैदराबाद। फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर करती कि मुजाफिर जंग जो है वो रूलर होंगे हैदराबाद के एंड चांद साहिब ऑफ कर्नाटिक वेयर्स ब्रिटिश कंपनी वाज सपोर्टिंग मोहम्मद अली। यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी सपोर्ट करती मोहम्मद अली को इन कर्नाटिक के लिए। एंड नासिर जंग इन हैदराबाद और नासिर जंग कर्नाटिक मोहम्मद अली और नासिर जंग के का दोनों को सपोर्ट करती ब्रिटिश कंपनी। अल्टीमेटली द वार ब्रोक आउट। नासिर जंग वाज डिफीटेड और ये आखिर में ये वार जो है खत्म होता है। नासिर जंग जो है वो हार जाता है एंड किल्ड इन द वार और उसकी मृत्यु हो जाती है। मुजाफिर जंग गेव अ सम ऑफ 50,000 pounds एंड जागीर फॉर RS 10,000 a year to French company for their help in the war under Robert Clive and young clerk in the company British forces beside a court. Chand Sahib was killed in the war
द होल कर्नाटक केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कंपनी, और पूरा जो कर्नाटक है वो कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिश कंपनी के। द इंग्लिश कंपनी इस्टेब्लिश सुप्रीमेसी इन कर्नाटक एंड फ्रेंच मेंटेड देयर आर्मी इन हैदराबाद इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द निजाम एंड फॉर दिस निजाम अलाउड देम टू कलेक्ट रेवेन्यू। दिस मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल दैट इज बाय मेकिंग द इंडियन रॉयलिटी पे टू मेंटेन द फॉरेन आर्मी केम इनटू प्रैक्टिस। यहाँ पे फ्रेंच कंपनी जो है वो नियुक्त करती है निजाम को तो अलाउ करने के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। एंड थर्ड वार जो होता है वो होता है 1756 टू 1763 के बीच में। द फाइनल फेस ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द सेवन ईयर वार ब्रोक आउट इन द यूरोप। थर्ड वार जब फाइनल फेस आती है एंग्लो फ्रेंच के बीच में, जब 7 साल बीत जाते हैं यूरोप में इन उनके वार के बीच में, इन द वार ऑफ वेंडिवास्ट इन 1760 फ्रेंच वर डिफीटेड। द ब्रिटिश कंपनी इमर्ज विक्टोरियस इन द वार। इस वार में ब्रिटिश की अल्टीमेटली विक्ट्री होती है, जीत जाती है और फ्रेंच कंपनी को डिफीट होती है, यहाँ पे हार जाती है। द इंग्लिश हु वर ऑलरेडी इन पावर इन कर्नाटक, इंग्लिश को ऑलरेडी उनके पास पावर होती है कर्नाटक में, आउट स्टेट फ्रेंच फ्रॉम हैदराबाद टू, और फ्रेंच को वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं हैदराबाद से। एंड दस ऑल द टेरिटरीज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश कंपनी, और सारे ट्रेडिंग सेंटर्स सारे टेरिटरीज जो थे जो कंट्रोल में थे फ्रेंच के, वो सारे आ जाते हैं ब्रिटिश कंपनी के हाथों में। द ड्रीम्स ऑफ फ्रेंच कंपनी टू गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एंड, और फ्रेंच कंपनी का जो सपना होता है जो इरादा होता है उसका यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसका इरादा सपना खत्म हो जाता है। उसका सपना यही था कि पूरे इंडिया पे वो सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करें, यहाँ पे साम्राज्य करें, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथों में लें, तो यहाँ पे उसका समाप्ति हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड अ न्यू डोर ओपन टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी और इंटायर इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक नया रास्ता ओपन करती है अपने भारत में ट्रेडिंग के लिए, और सुप्रीमेसी पूरे भारत में उसकी इस्टेब्लिश हो जाती है। इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर एंड डिफीट ऑफ फ्रेंच कंपनी। यहाँ पे फ्रेंच कंपनी किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी से हारने के पश्चात यूरोप चली जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे पूरे इंडिया पे साम्राज्य स्थापित हो जाता है, वो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, उनकी सुप्रीमेसी पूरे इंडिया में फैल जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे प्लासी युद्ध होता है और बंगाल और भारत के अन्य भाग पे कैसे ट्रेडिंग करते हैं, किस प्रकार व्यापार करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।